को थे मुझे उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ा मतलब मुझे उसके साथ सोना पड़ा तब जाके ये रिंग मैंने वापस ली है और इसके बाद जब सीन का अंत होने वाला होता है तो वो बता देती है कि कैसे पोर्शिया वकील के भेष में थी और नरिसा जो है उसके कलर के भेष में थी तो चलिए देखते हैं इस पार्ट का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन बस सैनियो वी शुड होल्ड दे विद एंटीपोर्ट्स इफ यू वुड वोक इन एबसेंस ऑफ द सन क्योंकि बेस्नियो घर वापस आया है और पोर्शिया उसके साथ चल रही है तो वो उसकी तारीफ में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी रात में भी दिन की रोशनी हो जाएगी तो एंटीपोर्ट्स कहते हैं जो विपरीत होता है जैसे किसी देश में सवेरा हो रहा होता है तो किसी दूसरे देश में रात हो रही होती है तो उसी के संदर्भ में उसने कहा है कि तुम मेरे साथ चलती हो तो रात में भी उजाला लगता है पोषया लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट पोषे कहती है मुझे तुम्हें उजाला देने दो लेकिन मैं हल्की नहीं होना चाहती फॉर ए लाइट वाइफ डॉथ मेक ए हैवी हसबेंड क्योंकि जिसकी बीवी हल्की होती है वो यहाँ कैरेक्टर की बात कर रही है तो उसके हस्बैंड को बहुत तकलीफ होती है एंड नेवर बी बेसेनियो सो फॉर मी और बेसेनियो ऐसा तो तुम्हें मैं कभी नहीं करूंगी बट गॉड सो ऑल लेकिन ये सारा भगवान के ऊपर भी डिपेंड करता है यू आर वेलकम होम माई लोड तुम्हारा घर में स्वागत है मेरे आका या पति बेसैन आई थैंक यू मैडम गिव वेलकम टू माई फ्रेंड मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम और ये मेरा फ्रेंड है उसका भी स्वागत करो दिस इज द मैन दिस इज एंटोनियो यही वो आदमी है इसका नाम एंटोनियो है टू हुम आई एम सो इनफिनिटली बाउंड और इसका मैं इन्फिनेटली हमेशा के लिए बाउंड कर्जदार रहूंगा यू शुड इन ओल्ड सेंस बी मच बाउंड टू हिम तुम्हें हर तरीके से इस आदमी का मतलब एंटोनियो का एहसान मानना चाहिए फॉर एज हियर ही वॉज मच बाउंड फॉर यू और जहां तक मैंने सुना है कि उसने तुम्हारी खातिर बहुत कुछ किया है एंटोनियो नो मोर देन आई एम वेल एक्टेड ऑफ नहीं इतना भी नहीं किया क्योंकि अब मुझे उससे आजादी मिल गई है एक्विटेड मतलब जो भी मैंने इसके लिए किया था उससे मुझे छुटकारा मिल गया है पोशिया सर यू आर वेरी वेलकम टू अवर है कि आपका इस घर में स्वागत है इट मस्ट अपियर इन अदर वेज देन वर्ड्स लेकिन आपका स्वागत सिर्फ शब्दों से ही ना हो देर फोर आई स्कांट दिस ब्रीदिंग कट से तो इसलिए ये जो मैं बोल रही हूं इतना ये मैं रोकती हूं थोड़ा करती हूं स्कांट और आपका स्वागत करती हूँ ग्रेशिनियो टू नरिसा और इसी बीच जो ग्रेशिनियो और नरिसा होते हैं वो एक तरफ झगड़ा कर रहे होते हैं आई स्वेयर यू डू मी ग्रेशिनियो कहता है नरिसा से कि उस चांद की कसम तुम मुझे गलत समझ रही हो इन फेथ आई गेव इट टू द जजेस क्लार्क मैंने एक यकीन के साथ कुछ समझ के उस वकील के क्लर्क को वो दिया था ये अंगूठी की बात हो रही है वुड ही वर गैल्ट दैट हैड इट भगवान करे वो नपुंसक बन जाए उसका सत्यानाश हो मतलब गैल्ट जिसने वो ली थी मुझसे फॉर माई पार्ट सिंस यू डू टेक इट लव सो मच एट हार्ट और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि तुमने तो इसे बहुत ही सीरियसली ले लिया पोर्सिया अवल हो क्वावल मतलब झगड़ा हो रहा है ऑलरेडी वट इज द मैटर शुरू हो गए तुम लोग क्या बात है क्वेश्चन यू अबाउट ए हुप ऑफ गोल्ड एक अंगूठी हुप जो सोने की थी उसके बारे में बात है अ पाल्ट्री रिंग एक बहुत सस्ती रिंग दैट शी डिड गिव मी जो कि इसने मुझे दी थी हुज हुई वाज और जिसपे लिखा हुआ था फोर्जी फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक कटलर्स पोएट्री जैसे कि मतलब हर जगह जो ये चाकू बनाने वाले कटलर्स पोएट्री वो लिखते हैं अपोन ऊपर, लव मी एंड लीव मी नॉट की मुझे प्यार करो और मुझे कभी छोड़ना मत द वैल्यू तुम उस लिखावट की बात कर रहे हो या उस अंगूठी की जो कीमत थी उसकी बात कर रहे हो यू सो टू मी वेन आई यू तुमने कसम खाई थी जब मैंने ये तुम्हें दी थी दैट यू टिल यूर आवर ऑफ डेथ कि मरते दम तक तुम इसे पहन के रखोगे एंड दैट इट शुड लाई विद यू इन यू क्रेव और ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में जाएगी दो नॉट फॉर मी यट फॉर योर वीमेंट ओट्स मेरे लिए ना सही लेकिन जो वीमेंट जो इमोशनल कस्में तुमने खाई थी ओट्स यू शुड हैव हैव बीन एंड तुम्हें उस अंगूठी के प्रति आदर रखना चाहिए था और अपने पास रखना चाहिए था गेव इट टू ए जजेस क्लाक और ये तुमने एक जज के कलर्क को दे दी नो गॉड्स माई जज द क्लर्क विल नेवर वेयर हेयर वंस फेस इट और ईश्वर साक्षी है कि वो जो क्लर्क है जिसे तुमने वो अंगूठी दी थी मैं कसम खाई कह सकती हूँ कि उसकी दाढ़ी मुझे नहीं थी तो यहाँ पे नरिशा ये कहना चाहती है कि क्लर्क का तो तुम बहाना बना रहे हो कि वो लड़का था तुमने जरूर ये अंगूठी किसी लड़की को दी है ग्रेसियो ही विल एंड इफ ही लिव टू be मैन उसकी दाढ़ी जरूर आएगी अगर वो एक आदमी बनता है मतलब वो अभी यंग है अभी नहीं हो शायद लेकिन जब वो एक आदमी में बदलेगा थोड़ी उम्र होगी उसकी तो उसकी दाढ़ी मुझे जरूर आएगी तो ग्रेष्वनी यही कह रहा है कि मैंने वो एक आदमी को ही दिया है नरिसा आई इफ ए वुमेन लिव टू वे मैन हाँ हाँ क्यों नहीं अगर एक औरत जो है मर्द में बदल जाए तो वो अलग बात है तो यहाँ पे नरिसा अभी भी उसका विश्वास नहीं कर रही ग्रेसिनो नाउ बाय दिस हैंड आई गेव इट टू रख के कसम खाता हूं कि मैंने ये एक जवान को दी थी a kind ऑफ of बॉय एक लड़की की तरह था वो a little scrubbed बॉय स्क्रप्ट मतलब एक छोटा ज्यादा बड़ा भी नहीं था वो नो हायर देन दाई सर्व तुमसे ऊंचाई में ज्यादा नहीं था द जजेस क्लॉर्क जो जज का क्लर्क था प्रेटिंग बॉय दैट बैग इट एज ए फी एक बहुत बकबक बक करने वाला पैटिंग ज्यादा बोलने वाला लड़का था जिसने वो अंगूठी फीस के तौर पे मुझसे मांगी आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाई इट हेम और मैं चाह कर भी उसे मना नहीं कर सका पोषिया यू टू ब्लेम ये सारा तुम्हारा किया हुआ है पोषिया ग्रेशिनो से कहती है आई मस्ट बी प्लेन यू मैंने तुमसे अब सीधी साधी बात करनी है टू पार्ट स्लाइटली योर वाइट फर्स्ट गिफ्ट तुम अपनी बीवी का जो पहला गिफ्ट था उसे कैसे छोड़ा ऑन फिंगर एक ऐसी चीज जो वादों के साथ तुम्हारी उंगली पे बंधी थी एंड सो रिवेटेड ऑन टू योर फ्लैश रिवेटेड मतलब कीलों से ठोका हुआ बहुत ही मजबूती के साथ बंधी हुई वो तुम्हारी चमड़ी में चिपकी हुई थी आई गेव माई लव अंग मैंने अपने प्यार को एक अंगूठी दी एंड मेड हिम स्वेड और उससे कसम खिलवाई नेवर टू पार्ट विद इट कि इससे कभी जुदा मत होना एंड हेयर ही स्टैंड और देखो इनको ये यह यहां पे खड़ा है आई डियर बी सोन फॉर हिम ही वुड नॉट लीव इट मैं कसम खा सकती थी कि ये उसे कभी नहीं छोड़ेगा अंगूठी को नॉट प्लक इट फ्रॉम हिज फिंगर्स फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स अगर संसार का सारा धन भी इसे मिल जाए तो भी ये उसे नहीं उतारेगा नाउ इन फेथ ग्रेसिनो You give your wife too unkind a cause of grief, and it were to me, I should be mad at it. और इंडिया कहती है कि ग्रेशिनो, तुमने अपनी वाइफ को बिना कारण दुख में डुबो दिया अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं तो पागल ही हो जाती तो वो ग्रेशिनो को कह रही है प्रोशिया कि इतने प्यार से तुम्हें अंगूठी दी नरिसा ने तुम्हें जी जान से इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी और तुम किसी को दिया अगर इसकी जगह मैं होती मैं तो बवाल ही मचा देती तो वो मजे ले रही है पोर्सिया बेसैनियो असाइड वाई आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ एंड आई द रिंग डिफेंडिंग इट अब बेसैनियो की लगती है यहाँ पे उसे लगता है अब ये मेरे ऊपर आने वाली है पूछेगी मुझसे कि अंगूठी कहा है तो वो अपने आप से कह रहा है कि ये जो हाथ है मेरा मैंने काट के फेंक दिया होता तो मैं ये कह सकता था कि अंगूठी को बचाते बचाते मेरा हाथ मतलब कट गया और इसलिए अंगूठी खो गई ग्रेसिनो माई लोड बेसिनियो गेव हिज रिंग अवे तो बेसेनियो के कहने से पहले ही ग्रेसिनो क्या देता है कि जो बेसेनियो है उसने वो अंगूठी जो है दे दी ऑन टू द जज दैट बैक डेट उस वकील को या उस कानून वाले को जो ये मांग रहा था एंड इन डीड डिजर्व इट टू और सही में वो इसके लायक भी था एंड देन बॉय हिज क्लार्क और उसके बाद वही बात उसके क्लर्क लड़के के साथ हुई that took some pains in सम उसने भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा ही बैड माइन और फिर उसने वो मेरी अंगूठी मांग ली एंड नीदर मैन नो मास्टर वुड टेक ओट बट द टू रिंग्स और वो जो वकील था और वो जो उसका लड़का था और किसी चीज पे राजी नहीं हुए बस उन्हें वो दो अंगूठिया चाहिए पोर्शिया वट विंग गेव यू माई लोड नॉट दैट आई होप विच यू रिसीव मी पोर्सिया यहाँ पे फिर दिखावा करती है और पूछती है कि कौन सी रिंग तुमने उसे दी पतिदेव वो वाली तो नहीं दी जो मैंने तुम्हें दी थी बेसैनियो इफ आई कुड एड अटू ए फोल अगर मैं अपनी गलती को एक झूठ से छुपा सकता आई वुड डिनाइड तो मैं तो मना कर देता बट यू सी माई फिंगर हाथ नॉट द रिंग अपॉन इट। और तुम देख सकती हो इसमें वो अंगूठी नहीं है इट इज गॉन ये जा चुकी है पोर्शिया। इवन सो वोइ इज यू फोल्स हार्ट ऑफ ट्रूथ तुम्हारा जो दिल है वो भी सत्य से इतना ही खाली है जितनी की तुम्हारी उंगली अंगूठी से खाली है बाई हेवन आई विल नेवर कम इन आई सी द रिंग और मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हारे साथ हम बिस्तर या मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं सोंगी जब तक कि मैं उस अंगूठी को देख ना लू नरिशा नो आई इन योर्स टिल आई अगेन सी अगें और इधर नरिशा जो है ग्रेशिनो को हुल देती है कि मैं भी तेरे साथ नहीं सोंगी जब तक कि मैं अपनी अंगूठी को वापस देख नहीं लेती बेस स्वीट पोशिया इफ यू डिड नो टू होम आई गेव द रिंग अब यहाँ पे बेसैनियो जो है पोर्शिया को मनाने की कोशिश कर रहा है वो कहता है कि प्यारी पोर्शिया अगर तुझे पता होता कि वो अंगूठी मैंने किसे इफ यू डिड नो फॉर आई गेव द रिंग और तुझे पता होता कि किसके लिए मैंने वो रिंग उसे दी थी एंड वुड कंसीव फॉर वट आई गेव द रिंग और अगर तुम इस बात पे विचार करती कंसीव कि किस कारण से वो रिंग दी थी एंड हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग और कितना ना चाहते हुए अनविलिंगली मैंने वो रिंग दी थी वेन नॉट वुड बी एक्सेप्टेड बट द रिंग और ये तब हुआ जब और किसी चीज से बात नहीं बन रही थी सिर्फ रिंग ही चाहिए थी उसे यू वुड अबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर अबेट मतलब कम करना तो तुम ये जो कह रही हो ना इतना ताने मार रही हो उसमें तुम कम कर देती मतुम समझ जाती पोषिया इफ यू नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग अगर तुम उस रिंग के बारे में जरा सभी जानते और, हाफ और रिंग और उस औरत के बारे में आधा भी जानते जिसने तुम्हें वो वो रिंग दी थी तो वो अपने बारे में कह रही है और यू ऑन आन ऑनर टू कंटेन द रिंग या तुमने अपने सम्मान को समझा होता कि कैसे तुम्हें वो रिंग अपने पास रखनी थी यू वुड नॉट देन है रिंग तो तुम उस रिंग को अंगूठी को कभी भी हाथ से जाने न देते वट मैन इज देयर सो मच अनरीजनेबल ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो इतना अनरीजनेबल हो इफ यू हैव डिफेंडेड इट विद एनी टर्म्स ऑफ जील अगर तुमने उस अंगूठी को रखने के लिए उमंग दिखाया होता उत्साह दिखाया होता वॉन्टेड द मॉडेस्टी टू तो अर्ज द थिंग हेल्ड है एज ए सेरेमोनी तो वो आदमी कैसे लेता उस चीज को जिसके साथ इतनी सारी चीजें बंधी हुई है सेरेमोनी तो पोषे कह रही है अगर तुम उसे आसानी से जाने ना देते और एक्सप्लेन करते उस आदमी को कि कैसे इसके साथ तुम्हारी फीलिंग्स बंधी हुई है कैसे इसके साथ कसमे वादे बंधे हुए हैं तो वो लेने वाला भी उस रिंग को नहीं लेता नरीसा टीचर्स मी व्हाट टू बिलीव और मुझे लगता है कि मुझे नरिसा की बातों पे विश्वास कर लेना चाहिए आई डाई फॉर इट बट वुमेन हैड द रिंग कि मैं अपने जान की कसम खा सकती हूँ कि तुमने ये रिंग जरूर किसी औरत को दिया नो बाय ऑनर मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाय माय सोल नो वेमेन इट और मैं भी अपनी आत्मा पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने ये किसी औरत को नहीं दिया है बट ए सिविल डॉक्टर बल्कि कानून का एक वकील उसे दी थी मैंने विच डिड रिफ्यूज थ्री थाउजेंड मी जिसने तीन हजार सोने के सिक्के डकेट्स लेने से मना कर दिया था एंड बैट द रिंग लेकिन रिंग के लिए उसने हामी भरी थी द विच आई डिड डिनाई हिम और मैंने उसे मना भी किया था एंड सफर हिम टू गो डिसप्लीज अवे और इतना सुनने के बाद वो अनमने मन से वहां से चला भी गया था डिसप्लीज इवन ही दैट हैड हेल्ड अप द वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड वो आदमी जिसने मेरे दोस्त की जान बचाई थी वॉट शुड आई से स्वीट लेडी तो क्या कहता मैं उससे मेरी प्यारी औरत आई वॉज इनफोर्ड टू सेंड इट आफ्टर हिम इन मुझे जबरदस्ती उसके पीछे भेजना पड़ा आई वॉज बी सेट विध शेम एंड कर्ट क्योंकि शर्म और शिष्टाचार ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था मतलब मैं शर्मिंदा था कि उसने एक चीज मांगी जिसने मेरे दोस्त की जान बचाई थी और मैं उसे वो भी नहीं दे सका माई ऑनर वुड नॉट लेट इन ग्रेटिट्यूड मेरा जो सम्मान है उसने मुझे स्वार्थी नहीं बनने दिया इन ग्रेटिट्यूड सो मच बिस्मियर इट की कोई चीज इसे गंदा कर सके पार्डन मे गुड लेडी मुझे माफ करो मेरी प्यारी औरत फॉर बाय दीज ब्लास्ट कैंडल्स ऑफ द नाइट ये जो आशीर्वाद से जली हुई मोमबत्तियां हैं हेड यू बीन देअ आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड द रिंग ऑफ मी टू गिव द वर्दी डॉक्टर और अगर तुम वहां पे होती तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट करती कि ये जो रिंग थी मैं उस वकील को दे दू पोशिया लेट नॉट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस पोशिया अपना जो दिखावा है वो जारी रखती है जो अपना मजाक है वो जारी रखती है और कहती है वो जो वकील है वो कभी भी मेरे घर के आसपास दिखना नहीं चाहिए सिंस ही हाथ कॉर्ड द जूल दैट आई लव क्योंकि उसने उस हीरे को पा लिया है जो मुझे पसंद था एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू की फॉर मी और जो तुमने वादा किया था कि तुम उसे बहुत ही हिफाजत के साथ रखोगे आई विल बिकम एज लिबरल एज यू मैं भी तुम्हारी तरह दानी बन जाती हूं आई विल नॉट डिनाय हिम एनीथिंग आई हैव और मैं भी उसे कुछ भी जो मेरे पास है वो मांगेगा मैं दे दूंगी नो नॉट माय बॉडी नॉर माय हस्बैंड्स बेड मैं अपने शरीर की बात नहीं कर रही या मैं अपने पति के बिस्तर की बात नहीं कर रही नो ही माई शैल आई एम वेल श्योर ऑफ इट क्योंकि मैं जानती हूं और मैं इस बात पे यकीन करती हूँ लाइ नोट ए नाइट फ्रॉम होम और घर से बाहर तुम एक रात भी नहीं रुकोगे कहीं वॉच मी लाइक आगस क्योंकि मैं तुम्हें आगस आगस एक जीव था जिसकी हजारों आंखें थी तो उसी के सिलसिले में बात कर रही है पोर्शिया कि मैं तुम्हें दिन रात देखती रहूंगी कि कहीं तुम इधर उधर तो नहीं कर रहे इफ यू डू नॉट और अगर तुम ऐसा नहीं करते, लेफ्ट अलोन अगर मैं अकेली होती हूं नाउ बाय माइन ऑनर विच इज येट माइन ऑन आई विल है डॉक्टर फॉर माई बेड फेलो तो मैं अपने सम्मान की कसम खाके कहती हूं कि मैंने जाके उस वकील के साथ सो जाना है मतलब उसे हम बिस्तर कर लेना है नरीसा एंड आई और नरिसा कहती है और मैंने उसके कलर के साथ जाके सो जाना है देर फोर बी वेल एडवाइज और इसलिए इस बात को गांठ बांध लो हाउ यू डू लीव मी टू माइन ऑन प्रोटेक्शन कि कैसे तुम्हें मुझे अकेले नहीं छोड़ना है ग्रेसिनो वेल डू यू सो लेट नॉट मी टेक हिम देन अच्छा तुम्हें जो करना है करो लेकिन मैंने अगर उसे कभी पकड़ लिया फॉर इफ आई डू क्योंकि अगर ऐसा होता है आल मार दंग क्लास फैन तो मैंने उस जवान क्लर्क का पेन तोड़ देना है तो ग्रेसिनियो यहाँ पे नरिसा की बात को थोड़ा लाइटली ले रहा है कह रहा है अगर तुम उसके साथ हम बिस्तर होती हो और मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया ऐसा करते हुए तो मैंने जो है उसका पेन तोड़ देना है तो वो ये नहीं कह रहा मैंने उसको मारना है पीटना है तुझे मारना है पीटना है वो कह रहा है कि मैं उसका पेन ही तोड़ दूंगा एंटोनियो आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वार्स तो एंटोनिया बीच में कहता है ये सब मेरे ही कारण हो रहा है ये जितने झगड़े हो रहे हैं क्वारल्स पोषा सर ग्रीव नॉट यू तो पोषा कहती है आप दुखी मत हो ग्रीव यू आर वेलकम नॉट विद स्टैंडिंग आपका हर हालत में नॉट विद स्टैंडिंग स्वागत है वैसे नहीं पोषा फोर गिव मी दिस इनफोर्स्ड रॉन्ग वैसे नहीं कहता पोषा मुझे इस गलती के लिए माफ करो एंड इन दियरिंग ऑफ दीज मैनी फ्रेंड्स आई स्वे टू डी इवन बाय दाइन ऑन फेयर आइज वेयर इन आई सी माई सेल्फ की इन सब दोस्तों के सामने मैं कसम खाता हूं तुम्हारी तुम्हारी उन आंखों की कसम जहां मैं अपने आप को देखता हूं पोशिया मॉक यू बर्थैट तो पोशिया उसे बीच में रोके कहती है सुनो तुम क्या कह रहे हो इन बोथ माई आईज ही डबली सीज हिम वो मेरी दो आंखों में खुद दो को देखता है इन ईच आई वन हर आंख में एक स्वय बायोर डबल सेल्फ एंड देव इज एन ऑथ ऑफ क्रेडिट और अगर ये दोनों कसमें खा रहे हैं तो ये एक सीरियस कसम हो जाती है बट हियर मी नहीं लेकिन मुझे सुनो पार्ट एन दिस फोल्ट इस भूल को माफ करो एंड बाय माई सोल आई स्वेर मैं अपनी आत्मा की कसम खाके कहता हूं आई नेवर मोर विल ब्रेक एंड ऑफ विद दी तुम्हारे साथ मैं अब कोई भी कसम आगे से नहीं तोड़ूंगा एंटोनियो आई वैंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ अब एंटोनियो बीच में कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को उसके धन के लिए गिरवी रख दिया था विच बट फॉर हिम बात शायद अच्छी ना होती अगर उस आदमी ने जिसे तुम्हारे हस्बैंड ने रिंग दिया है आके मुझे ना बचाया होता आई डेयर बी बाउंड अगेन माई सोल द दिट और मैं यहाँ एक बात कहने की जरूरत करूंगा डेयर कि मैं अपनी आत्मा की गवाही रख सकता हूं दैट योर लोड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइज कि तुम्हारा जो पति है कभी आगे से कोई कसम नहीं तोड़ेगा तो अब यहाँ पे एंटोनियो फिर जवान दे रहा है देन यू बी हिज अगर ऐसी बात है तो श्योरिटी मतलब तुम्हें इसका जिम्मेवार होना होगा गिव हिम दिस एंड बिड हिम कीप इट बेटर और ऐसा क्या है वो अंगूठी निकालती है और कहती है ये उसे दो और कहो कि इसे जो पहले वाली है उससे अच्छी तरह से रखना एंटोनियो हियर लो बेसेनियो स्वय टू कीप दिस रिंग तो एंटोनियो कहता बेसेनियो ये लो और कसम खाओ कि इस अंगूठी को तुम अच्छी तरह से रखोगे बेसेनियो बाय हेवन अब बेसेनियो देखता है कि ये तो वही अंगूठी है जो पहले वाली है तो कहता है hey, भगवान इट इज द सेम आई गेव द डॉक्टर ये तो वही है जो मैंने डॉक्टर को दी थी या मैंने उस वकील को दी थी पोर्शिया आई हैड इट ऑफ हिम मैंने ये उससे वापस ले ली पार्डन में बेसनियो मुझे माफ करना बेसैनियो फोर बाय दिस द डॉक्टर ले विद मी और इस अंगूठी के बदले वो डॉक्टर जो वकील था वो मेरे साथ हम बिस्तर हुआ नरिसा एंड पार्डन मी माई जेंटल ग्रेसिनो और फिर नरिसा कहती है कि मुझे भी माफ करना ग्रेशीनो फॉर दैट सेम स्क्रब्ड बॉय वही जो छोटा जो लड़का था द डॉक्टर्स क्लॉर्क वो जो डॉक्टर का क्लर्क था इन लू मतलब इसके बदले में ऑफ दिस लास्ट नाइट डिड लाई विद मी वो पिछली रात मेरे साथ बिस्तर में था ग्रेसिनो वाई दिस इज लाइक द मैंड ऑफ हाई वे इन समर वे दर इनफ तो ग्रेसिनो कहता है ये तो रोड बनाने वाली बात हो गई गर्मियों में जबकि रोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो वो कह रहा है कि ये जो तुम लोग करके आए हो इसको करने की क्या जरूरत थी व्हाट आर वी खोक बिफोर वी हैव डिजर्व इट वो कहता है कि हम तो लुट गए हमारी बीवियों ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया और इस बात के तो हम हकदार भी नहीं थे मतलब अभी अभी हमारी शादी हुई है और उससे पहले ही ये सारा कांड करके आ रहे हैं पोर्शिया स्पीक नॉट सो ग्रॉसली तो पोर्शिया उसे बीच में रोकते हुए कहती है ऐसा गंदा मत बोलो यू आर ऑल अमेज तुम हैरान रह जाओगे हियर इज ए लेटर ये देखो एक चिट्ठी है रीड इट एचुअल लेजर इसे तुम आराम से पढ़ना इट कम्स फ्रॉम पैदवा फ्रॉम बेलरवीओ ये पादुआ नाम की जगह से बेलारियो ने भेजी है देयर यू शेल पे पोर्शिया अब अपना राज खोल रही है वो कहती है कि इसमें तुम्हें पता चलेगा कि जो पोर्शिया थी वो वकील बनी हुई थी नरिसा दे हर क्लार्क और जो नरिसा थी उसकी क्लर्क थी लोरेंजो हियर शेल विटनेस आई सेट फोर्थ एस सून एज यू लोरेंजो यहाँ पे तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मैं भी यहां से चल पड़ी थी एंड इवन बट नाउ रिटर्न और अभी अभी तुमसे थोड़ी देर पहले आए आई हैव नॉट येट एंटर्ड माई हाउस मैंने अभी घर के अंदर कदम भी नहीं रखा है एंटोनियो यू आर वेलकम एंटोनियो तुम्हारा स्वागत है एंड आई हैव बेटर न्यूज इन स्टोर फॉर यू और तुम्हारे लिए मेरे पास अच्छी खबर है देन यू एक्सपेक्ट नहीं की तुम आशा कर रहे हो उससे भी अच्छी है अनसील दिस लेटर सुन और ये जो चिट्ठी है इसे खोलो देअर यू शैल फाइन थ्री ऑफ योर आर्गसीज आर रिचली कम टू हार्बर सडनली और इस लेटर में तुम्हें ये भी मिलेगा कि तुम्हारे जो तीन पानी के जहाज हैं आर्गसीज वो अच्छा बिजनेस करके बंदरगाह पे आ पहुंचे हैं यू शैल नॉट नो बाई वेन्ज एक्सीडेंट आई चांस ऑन दिस लेटर तुम्हें शायद ये नहीं पता चले कि कैसे बहुत ही अजीब तरीके से ये लेटर जो है मेरे हाथ में आ गया एंटोनी आई एम डम तो नहीं कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो तो तुम तुम्हें पहचाना नहीं ग्रू नरीसा से कहता है तुम ही वो क्लर्क थी जिसने मेरी वाइफ के साथ रात गुजारी थी अब वो मजाक कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही इंसान है नरीसा। आई बट क्लर्क दैट नेवर मीन्स टू डू इट हाँ मैं ही वो लड़का थी लेकिन मैं ऐसा करना चाहती नहीं थी अनलेस ही लिव अंटिल ही बी ए मैन क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ के साथ कभी नहीं सो सकता अगर वो सच में एक आदमी न बन जाए बेसेनियो स्वीट डॉक्टर यू शैल बी माई बेट फेलो तो बेसेनियो फिर यहाँ पे पोर्शिया से कहता है कि वकील अब तुम्हें मेरे साथ हम बिस्तर होना होगा बेट फेलो वेन आई एम एबसेंट देन लाइव विद माई वाइफ और जब मैं घर में ना हूं तो तुम मेरी वाइफ के साथ सो सकते हो एंटोनियो स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिव एंटोनिता है प्यारी मैडम तुमने मुझे जीवन और जीने का जरिया दिया फॉर हियर आई रीड फॉर सर्टन दैट माई शिप्स आर सेफली कम टू रोड क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ की मेरे जो पानी के जहाज है वो ठीक ठाक वापिस आ गए पोर्शिया हाव नाव लोरेंजो माई क्लाक हाथ समुड कम्फर्ट टू फॉर यू पोर्सिया फिर लोरेंजो से कहती है की देखो लोरेंजो ये जो मेरा क्लर्क मतलब जो नरिसा है उसके पास तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर है नरिसा आई एंड आई विल गिव देम हिम विदाउट ए फी हाँ और मैं ये जो है उसे लोरेंजो को बिना किसी फीस के दे दूंगी देर डू आई गिव टू यू एंड जेसिका ये लो तुम्हारे और जेसिका के लिए फ्रॉम द रिच ज्यू उस अमीर यहूदी की तरफ से अ स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट एक वसीयत तुम्हारे लिए आफ्टर हिज डेथ ऑफ ऑल ही डाइज पोजेस्ट ऑफ जब उसकी मौत हो जाएगी तो उसका सारा जितना भी है तुम्हारा हो जाएगा लोरेंजो फेयर लेडीज यू ड्रॉप माना इन द वे ऑफ पीपल तो लोरेंजो कहता है प्यारी मैडम ये तो ऐसा हो गया जैसे कि तुमने भूखे के आगे खाना रख दिया माना पोर्शिया इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग अब पोर्शिया कहती है बस सुबह होने वाली है एंड यथ टाइम श्योर यू आर नॉट सेफाइड ऑफ दिस इवेंट और मुझे जहां तक लगता है तुम्हारे अभी भी कई बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेट अस गो इन चलो अंदर चले एंड चार्ज अस देयर अपॉन इंटेरोगेटरीज और अंदर जाके इंटेरोगेटरीज का मतलब अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो तुम पूछ सकते हो एंड वी विल आंसर ऑल थिंग्स फेथफुली और हम उसका सही सही जवाब देंगे ग्रेशिनो लेट इट बी सो so. हा हा ऐसा ही करते हैं द फर्स्ट इंटरोगेटरी नरिश शेलवी सोन ऑन इज वेदर टिल द नेक्स्ट नाइट शी है की मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है वो नरिसा से ये होगा की वो जो आने वाली रात है तब तक के लिए रुकेगी या वो अभी बिस्तर पे जाना चाहेगी बींग टू आवर्स टू डे जिसमे की अब दो ही घंटे बचे हैं बट वर द डे कम आई शुड विश इट डार्क टिल आई वर्क हाउसिंग विद डॉक्टर्स खलाक लेकिन अगर दिन आता है तो मैं होप करता हूँ कि ये अंधेरा होगा जब तक मैं इस डॉक्टर के क्लर्क के साथ हम बिस्तर रहता हूं वेल लिव आल फियर नो अदर और जब तक मैं जिंदा रहता हूँ मुझे और किसी बात की परवाह नहीं होगी सो सोर एस कीपिंग सेफ नरिस रिंग कि मैं नरिसा की जो रिंग है उसको हिफाजत से रख सकू एक्सियंट और इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं तो आपने देखा कि एंड की कुछ लाइनों में शादीशुदा जोड़ों की तरह इसमें भी काफी मजाक है तो दोस्तों ये था इस फाइनल पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन होपफुली आपको पसंद आया हो और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही एक दूसरे वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुड बाय